बिहार में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में बिहार का सबसे ठंडा जिला किशनगंज रहा है। यहां का पारा गिरकर 14.5 डिग्री तक पहुंच गया है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, नवादा और नालंदा समेत कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से मई तक प्री मानसून का समय रहता है। इस दौरान बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओला गिरने के आसार हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन या टर्फ रेखा गुजरने से बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने लगी है। इस वजह से मौसम बदलाव हुआ है। बिहार के दक्षिणी इलाकों में बादल गरजने और ओला गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत 20 जिले में अलर्ट जारी किया है। पटना के एयरपोर्ट के पास जोर का धमाका हुआ। धमाके की गूंज खत्म हुई तो लोगों को पता चला कि एयरपोर्ट के पास निर्माणाधीन टैक्सी रनवे पर काम कर रहा एक युवक वज्रपात से बुरी तरह घायल है। उसके नाक कान से खून निकल रहा है। आनन फानन में उसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में हवाई अड्डा थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वह विशाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर विगत 15 सालों से काम कर रहे थे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एयरपोर्ट रनवे से कुछ दूरी पर टैक्सी रनवे का निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार की दोपहर बारिश होने लगी, इसी दौरान अचानक ठनका गिरा और वह उसी की चपेट में आ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।